जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से आर्मी जीडी का मॉक टेस्ट आपके सामने मैं लेके आया हूँ। ये आपका मॉक टेस्ट सेकंड आपका रहेगा, और जो भी आपका आने वाला एग्ज़ाम है, एआरओ पालमपुर का एग्ज़ाम है, या फिर जो भी आपके सेंटर के एग्ज़ाम है आर्मी के, जो कि आपके 13 नवंबर को होने वाले हैं, तो उसके लिए आज हम ये सैम्पल पेपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। आपको साथ साथ में यहाँ पे चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे बिल्कुल सही रहते हैं, कितने क्वेश्चंस का आंसर आप यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे दे पाते हैं। सो साथ साथ में आप बने रहें और अपने आंसर को आप यहाँ पे चेक करते चलें हमारे साथ। आपके मिनिमम मिनिमम जो हैं वो 35 क्वेश्चन जो हैं वो आपके लगभग बिल्कुल सही होने चाहिए, तभी आपकी जो सिलेक्शन है वो पूरी होगी। क्योंकि आपने यहाँ पे देखा होगा अभी जो हिसार, हमीरपुर या अदर हमारे एआरओ या फिर सेंटर का रिजल्ट आया है, तो मेरिट काफ़ी हाई गई है। तो आपको अपनी सीट पक्की करने के लिए कम से कम 35 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे बिल्कुल सही करने होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, तुलबुल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपको यहाँ पे बताना है तुलबुल परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है। मैं यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पे करूँगा। तो तुलबुल परियोजना जो है ये आपकी रिलेटेड है जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन सी इसका एक्यूरेट रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हजारी प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो हजारी प्रसाद चौरसिया जो थे ये बांसुरी से संबंध रखते थे, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। साथ साथ में आप आंसर बताते रहें क्या इसका सही आंसर है, खुद को आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय, मानक समय की बात की गई है, भारतीय मानक समय जो है वो किस शहर से लिया गया है? तो भारतीय मानक समय किस शहर से लिया गया है, इसका जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा वो है आपका इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से जो है ये लिया गया है आपका। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ईडन गार्डन कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्टेडियम भी है, आपको पता होना चाहिए। तो ईडन गार्डन एक क्रिकेट आपका स्टेडियम है, ईडन गार्डन कहाँ पे है? कोलकाता में है। तो आई होप आपके जो भी आप साथ साथ में क्वेश्चन के आंसर जो आप दे रहे हैं वो आपके बिल्कुल सही हैं। आप खुद अपना आंसर जो है वो माइंड में सोचें और फिर आप वीडियो को चेक करें कि जो मैंने आंसर यहाँ पे सोचा था क्या वो बिल्कुल सही है या नहीं है। साथ में आप अपनी नोटबुक रखें, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। मान लीजिए आपने यहाँ पे अपनी नोटबुक ओपन की है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया तुलबुल परियोजना, तो आप जल्दी से वीडियो को स्टॉप करें और अपना आंसर यहाँ पे लिख लें, जैसे कि ऑप्शन सी मैंने लिख दिया। फिर वैसे ही यहाँ पे आएगा ये क्वेश्चन वन, उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन टू, फिर क्वेश्चन थ्री, ऐसे। फिर जैसे क्वेश्चन टू आपने रीड किया, यहाँ पे आपने ऑप्शन लिख लिया बी, और जब आपने वीडियो प्ले की तो आप चेक करें कि क्या है आपका बिल्कुल सही आंसर है या नहीं है। जो आपका आंसर नहीं है करेक्ट उसको गलत करें, फिर लास्ट में स्कोर चेक करें क्या 35 क्वेश्चन आपके बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। तो वीडियो को आपने स्टॉप यहाँ पे करना है और फिर आप अपने आप को यहाँ पे चेक करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपके पास, यूरोपीय देशों की मुद्रा का नाम क्या है? तो काफी इजी क्वेश्चन है, यूरोपीय देशों की मुद्रा का नाम है यूरो। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो आई थिंक ये सभी को आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर है। वेद जो है वो टोटल 4 टाइप के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये टोटल 4 वेद हैं, जिसमें से सबसे अच्छा वेद जो है वो ऋग्वेद को माना जाता है, और ये सबसे पुराना वेद भी है, पहला वेद है, और सबसे नया जो है वो अथर्ववेद, और सबसे बुराई वाला वेद जो भी है, मतलब थोड़ा सा बुरा वेद जो है वो माना जाता है अथर्ववेद को, और ये सबसे नया वेद है क्योंकि इसमें स्त्रियों और लड़कियों को जो है वो यहाँ पे
अच्छा नहीं बताया गया है। इसमें जिंदगी की तीन बुराइयां जो है वो बताई गई हैं, इसलिए यहाँ पे इस वेद को जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, शाहजहां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शाहजहां का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है? लाहौर, फतेहपुर सिकरी, आगरा या फिर काबुल? तो आप चेक करें कहाँ पे है शाहजहां का जो मकबरा है, ये आपका स्थित है आगरा में। और आपको ध्यान में रखना है आगरा जो है वो किस स्टेट में या किस यूटी में आता है। तो आपको जल्दबाजी में, जैसे ताजमहल का क्वेश्चन भी आपका कई बार बनता है, तो आगरा आपका पड़ता है यूपी में, ये आपको ध्यान में रखना है। आगरा दिल्ली में नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है वो बॉम्ब फेंका गया था, तो ये कब मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए 6 अगस्त को हिरोशिमा है और 10 को जो है वो नागासाकी है, 3 4 दिनों के, सॉरी 9 को जो है वो नागासाकी है, 3 दिनों के बाद दूसरा बम वहां पे फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाबलीपुरम मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? तो महाबलीपुरम मंदिर आपका पड़ता है स्टेट तमिलनाडु में। तो ऑप्शन आपका बी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिया गया है, 10 है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन, अमेजन, नील या थेम्स? जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पे बताएं, सीन, अमेजन, नील या फिर थेम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास कौन सा, ऑप्शन ए, सीन नदी के किनारे जो है वो आपका पेरिस बसा है। काफी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और आर्मी में जो है वो ज्यादातर क्वेश्चन आपके रिपीटेड ही रहते हैं। तो यहाँ से आपकी जो है वो प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11th में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 11th है, दक्षिण अफ्रीका आने के बाद महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था? तो जब ये दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तो ये कहाँ पर इन्होंने अपना भारत में पहला सत्याग्रह किया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला सत्याग्रह जो है वो इंडिया में कहाँ किया था? वैसे वो अगर मैं दुनिया की बात करूँ तो ये भारत में उनका सॉरी जो उनका सत्याग्रह था, पहला जो सत्याग्रह था वो उनका अफ्रीका में था और दूसरा सत्याग्रह जो था वो उनका इंडिया में था। अगर आप थोड़ी सी डीप इसकी स्टडी करें तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो पहला सत्याग्रह था वो इनका इंडिया के बाहर था और दूसरा जो था वो इंडिया में था, लेकिन जो दूसरा सत्याग्रह था ये भारत में इनका पहला सत्याग्रह था जो कि किया गया था चंपारण बिहार में। ये आपको पता होना चाहिए, चंपारण बिहार में जो है वो उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया था। तो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं कि इनका चंपारण सत्याग्रह जो है वो किस वर्ष किया गया था, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 12th की बात करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर को कहा जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जो है वो किस शहर को कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है, मुंबई, कानपुर, इलाहाबाद या फिर आगरा? ये आप यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताएं, मुंबई, कानपुर, इलाहाबाद या फिर आगरा। तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जो है ये कहा जाता है कानपुर को। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं, एशिया का नोबल किसे कहा जाता है? एशिया का जो नोबल प्राइज है वो किस पुरस्कार को कहा जाता है? वैसे आपको पता है कि जो नोबल पुरस्कार है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, वैसे ही जो एशिया में ऐसा कौन सा प्राइज दिया जाता है जो सबसे बड़ा है और उसे नोबल प्राइज के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है रमन, मैक्सेसे, पुलित्जर, भारत रत्न या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है ये इसका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा, रमन मैक्सेसे पुरस्कार जो है ये यहाँ पर जो है वो इसको क्या दिया गया था, एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो क्वेश्चन 14 आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन 14 है, जजिया कर किस मुगल बादशाह ने दोबारा लागू किया था? तो आप चेक करें यहाँ पर,
कि जजिया कर जो है वो किस मुगल बादशाह ने दोबारा लागू किया था। पहले इसे बंद कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, उसके बाद इसे दोबारा से लागू किया गया था। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जजिया कर जो है वो किसने दोबारा से शुरू किया था। तो औरंगजेब ने जो है जजिया कर जो है वो ये दोबारा से शुरू किया था। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपके इस जीके का। संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है किस वर्ष ये संपन्न हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो संपन्न हुई थी। उसके बाद हम बात करेंगे जनरल साइंस के, जो आपका सेक्शन रहता है जीके आपका हो गया, उसके बाद जो आपकी जीएस यहाँ पे रहती है जनरल साइंस, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है या फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? मैं आपको इसको बाइलिंगुअल में यहाँ पे करवा दूंगा। प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, मतलब कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट जो है वो कौन सी गैस जो है वो लेते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये सारे आप सभी भी ये जानते हैं कि पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर छोड़ते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र क्या है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास H2O2। H2O2 जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र है। ये आप सभी ने देखा है हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, मैं आपको बता देता। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके हाथ में जो है वो चोट आई है और वहाँ पे जो डॉक्टर है कुछ एक लिक्विड वहाँ पे फेंकता है। मान के चलते हैं जैसे ये आपका कोई हाथ है, ये आपका हाथ है, ये आपकी फिंगर, यहाँ पे कोई चोट आई है तो यहाँ पे जब वो डॉक्टर कोई एक लिक्विड यहाँ पे फेंकेगा तो वहाँ से आपके इस जो जहाँ पे आपको लगी है वहाँ से जो झाग जो है वो निकलेगा, यहाँ से झाग निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो लिक्विड है वो होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये हमारे बैक्टीरिया जो है उनको ख़त्म करता है, इसलिए इसका यूज़ मेडिकल साइंस में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, सीजियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, मतलब कि इसका सिंबल क्या है, सीजियम को किस सिंबल के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजियम का जो प्रतीक है वो है CS। ये आपको ध्यान में रखना है, हमने इसकी स्पेलिंग के ऊपर कभी नहीं जाना होता। जैसे कि अगर मैं बात करूं टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है, तो ज्यादातर बच्चे टंगस्टन से या तो टी के सिंबल को यूज कर देते हैं या फिर TU या फिर TZ, बट नहीं, इसका सिंबल होता है W। जैसे कि अगर मैं बात करूं सोडियम का सिंबल क्या है, तो S तो नहीं होगा, SO भी नहीं होगा, सोडियम का सिंबल होता है Na। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया है पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है, मतलब कि जो पत्ते हैं उनका उनमें जो ग्रीन कलर है वो किसके कारण आता है। तो आप सभी को पता है कॉमन सा आंसर है क्लोरोफिल के कारण। और मैं अगर बात करूं क्लोरोफिल के अंदर हमारा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम। जैसे कि जो ह्यूमन ब्लड है उसके अंदर पाया जाता है आयरन। तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि जो पत्तों का हरा रंग है वो होता है ड्यू टू क्लोरोफिल, उसके अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम। वैसे ही खून का रंग होता है लाल, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, और हमारे हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, आयरन। आयरन जो है वो उसकी धातु, उसमें धातु होती है जिसका सिंबल होता है Fe। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपसे यहाँ पे पूछा गया है, एग्जाम में आपसे फॉर्मूला जो है वो पूछा जा सकता है। तो CaOH2 जो है ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, मनुष्य के भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, मतलब कि मेन सोर्स क्या है मनुष्य के भोजन का। तो वैसे तो आपको पता है जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, वसा, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, लेकिन मुख्य स्रोत क्या है, तो वो है हमारे लिए
प्रोटीन, ये आपको बिल्कुल में ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए ए बी सी डी ई और के, ये तो कॉमन से हमारे विटामिन है, लेकिन बी के अंदर जो है वो B1 से लेके B12 तक हमारे कुछ अन्य विटामिन भी काउंट होते हैं, इसलिए इसमें टोटल जो है वो कितने विटामिन है, 13 विटामिन जो है वो टोटल हमारे रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। विटामिन से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, दाब की इकाई क्या है, मतलब कि प्रेशर, दाब को बोला जाता है, प्रेशर के यूनिट क्या है? तो प्रेशर के यूनिट आप सभी को पता होगा, पास्कल जो है वो किसके यूनिट है, प्रेशर के यूनिट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, 24 आपके पास दिया गया है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं को खाने वाला क्या कहलाता है? एक ऐसी कोई चीज जो पेड़ पौधों को भी खाता हो, जीव जंतुओं को भी खाता हो, तो वो किस में काउंट किया जाता है, वो काउंट किया जाता है सर्वाहारी में। जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं उनको हम कहते हैं शाकाहारी, जो सिर्फ मांस खाते हैं उनको कहते हैं मांसाहारी, और जो दोनों को खाते हैं उनको कहते हैं सर्वाहारी। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 काफी कॉमन क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अंडा किस जंतु का होता है? तो आप सभी को पता होगा शुतुरमुर्ग जो है वो इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, पेट में कौन सा अमल पाया जाता है? तो हमारे जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, उसमें ऐसा कौन सा एसिड जो है वो पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका जो फॉर्मूला रहता है वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये हमारे पेट में पाया जाता है, ताकि जो भी हम खाना खाते हैं ये सारी की सारी उस चीज को डीकम्पोज कर सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास दिया गया है, आपको बोला है आवृत्ति यदि एफ है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी एफ है, तरंग धारे लैम्डा है, वेवलेंथ लैम्डा है, और वेग वेलोसिटी वी है, तो कौन सा इसमें जो है वो फॉर्मूला आपका यहाँ पर लगता है? तो मैं यहाँ पे आपको इसका मेथड बता देता हूँ कैसे हम इसको निकालते हैं। हम सभी को पता है स्पीड इज इक्वल जो है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आप सभी को पता है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, डिस्टेंस को पीछे रख लिया और टाइम को मैं थोड़ा सा आगे कर दिया, मतलब मैं टाइम को कुछ इस वे में भी लिख सकता हूँ, 1/T। अब ये जो नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम होता है, 1/टाइम होता है, ये हमारा चेंज हो जाता है किसमें, फ्रीक्वेंसी में, ये आपका चेंज हो जाता है फ्रीक्वेंसी में। तो आपके पास क्या बना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास फिनोमिना बना। तो ये जो स्पीड है ये आपकी सेम टू सेम चलती है वेलोसिटी की तरह, स्पीड वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, बाकी दोनों चीजें ये सेम है। डिस्टेंस आपका चलता है वेवलेंथ की फॉर्म में, और फ्रीक्वेंसी जो है ये आपके पास चलेगी एफ क्यू की फॉर्म में। तो आपके पास कुछ इस टाइप का ये फॉर्मूला बनेगा, तो वेलोसिटी आपके पास वी आ गई, वेवलेंथ को आपने लैम्डा बोला है और फ्रीक्वेंसी को एफ बोला है, तो वी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। तो ये आपका कौन सा आंसर रहेगा, ऑप्शन ए जो है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। आई होप आपके जो भी आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, कुनेन किस वृक्ष से तैयार किया जाता है? तो कुनेन जो है ये तैयार किया जाता है सिनकोना से, सिनकोना जो है ये कुनेन को तैयार करने में हेल्प करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फिर फ्लेमिंग के दोनों हाथों के रूल मतलब बोथ हैंड रूल, एंड उसके बाद है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का रूल मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स का रूल। तो आप सभी को पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के ऊपर आधारित रहता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आपका है जीके के पोर्शन से, सॉरी जीके एंड साइंस, साइंस के पोर्शन
हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट जो हैं ये हैं किसके? कार्बन के अपरूप। कार्बन को डिनोट किया जाता है सी से, इसका अटोमिक नंबर है 6। तो कार्बन के दोनों जो हैं वो अपरूप हैं, जिसमें से हीरा सबसे हार्डेस्ट है और जो ग्रेफाइट है वो सबसे सॉफ्ट है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, अपरूप का मतलब होता है एलोट्रॉप। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे मैथ के सेक्शन के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने, दिया गया है 15 माइनस ए और 15 प्लस ए का औसत बताएं। तो मैं यहाँ पे साथ साथ में सॉल्व करूंगा, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा क्योंकि स्पेस यहाँ पे थोड़ा सा कम है। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप साथ साथ में यहाँ पर समझ सकते हैं। इन दोनों का औसत बताना है, तो औसत का फॉर्मूला क्या रहता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ होल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो मेरे पास यहाँ पे सम की अगर मैं बात करूं, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर अगर मैं बात करूं सम की, तो सम कितना आएगा मेरे पास? मैंने वैल्यू लिखी यहाँ पे 15 माइनस के ए, ये पहली वैल्यू है, और फिर मैंने दूसरी वैल्यू को भी लिख दिया 15 प्लस के ए, और डिवाइड करेंगे टोटल वैल्यू से। तो टोटल वैल्यूज कितनी है मेरे पास यहाँ पे, आप देख सकते हैं, एक वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, तो डिवाइड कर दिया मैंने 2 से। ये ए और ए आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास बचा क्या? 15 प्लस 15 कितना? 30, और 30 बटा 2, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? 15। तो इसका जो औसत है वो आपका क्या रहेगा? ऑप्शन बी, 15 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की मैं यहाँ पे बात करूंगा, आप इसको साथ साथ में सॉल्व करते चलें, क्या इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास दिया गया है, तो यहाँ पे आपके पास दिया गया है 49 अपॉन के 16, और यहाँ पे अंडर रूट लगा है, और इक्वल में है x अपॉन 3। तो 49 किसका रूट होता है? 7 का, 16 होता है 4 का, और ये है आपके पास यहाँ पर x अपॉन में 3। तो 3 जो है वो नीचे से कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास बनेगा 21 अपॉन 4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर बिल्कुल फिट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, एक साइकिल के पहिए का व्यास 105 सेंटीमीटर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम में पहिए से रिलेटेड क्वेश्चन आपका ज्यादातर जो है वो पूछा जाता है, और ये आपका चैप्टर है एरिया का। वृत्त के चैप्टर से सिर्फ ज्यादातर एक ही क्वेश्चन आपका इस टाइप का पूछा जाता है। तो आपको बोला है साइकिल के पहिए का व्यास है 105 सेंटीमीटर। अब मैं पहिए की बात करूं, जब एक पहिया एक चक्कर लगाता है तो उसकी वैल्यू, मतलब पूरा एक चक्कर लगाने पे वो कितना चला, तो उसकी वैल्यू हमें कहाँ से पता चलती है? उसके परिमाप, पेरीमीटर, या फिर सरकमफ्रांस से, या फिर परिधि से, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें एक ही हैं। तो इसकी परिधि होती है हमारे पास 2π और r। तो r तो हमारे पास है नहीं, 2πr मैंने यहाँ पे लिख दिया 2πr। पाई की वैल्यू मैंने भर दी 22/7, और r जो है वो मेरे पास कितना आएगा? 105 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 105 इसका व्यास है, तो व्यास मतलब डायमीटर, डायमीटर का आधा रेडियस, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 105 कट जाएगा, तो आएगा 15, और 22 को जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 330 सेंटीमीटर, क्योंकि 105 जो है वो सेंटीमीटर में लिया गया है, ये आपको यूनिट में ध्यान में रखना है। इसका मतलब हुआ कि जब एक चक्कर पूरा होता है तो गाड़ी कितनी चलती है? 330 सेंटीमीटर। बट मेरे को एक चक्कर में मीटर में वैल्यू बतानी है, क्योंकि मेरे पास 330 मीटर की दूरी पूछी गई है। तो 330 सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में चेंज करूंगा तो मेरे पास अपोन में क्या आएगा? 100 आएगा। ये वैल्यू आ गई मीटर में। मैं यहां से एक मीटर की वैल्यू निकालूंगा तो यहां पे आ गया एक राउंड, 100 नीचे से जाएगा ऊपर, और 330 मेरा जाएगा नीचे। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास
एक मीटर की, मतलब एक मीटर में वो कितनी वैल्यू चलती है, वन राउंड इंटू 100/330। अब मेरे से कितने मीटर पूछा गया है, 330 मेरे पास पूछा, तो 330 से 330 कटा, तो मेरे पास बचा कितना, 100 × 1 आर, तो मतलब कि 100 राउंड जो है वो गाड़ी तय करेगी 330 मीटर चलने के लिए। तो ऑप्शन ए जो है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आई थिंक आप सबको ये समझ आया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके पास दिया गया है, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है मतलब कि सीपी वो है 2000 रुपये, और उसका जो विक्रय मूल्य है उसका जो एसपी है वो है 1600 रुपये। तो आपको यहाँ पर बताना है कि वो जो वस्तु है वो लाभ पे गई है या हानि में गई है। तो आप सभी को पता होना चाहिए 2000 की चीज को जब 1600 रुपये में बेचा गया तो मतलब कि आपको क्या हुआ, घाटा हुआ कितने रुपए का, 400 रुपये का, 400 रुपये का आ गया आपके पास लॉस। अब परसेंटेज में वैल्यू बतानी है तो 400 का लॉस किसके ऊपर हुआ, सीपी के ऊपर, तो सीपी थी आपकी 2000, उसको रखा नीचे और परसेंटेज के लिए करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20 से 20, 10 से 10, 2 से 4 कटा तो आ गया 2, और 2 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो आंसर आ गया 20% की हानि, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे बिल्कुल सही है। आई होप आप सभी को ये जो है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। उसके क्वेश्चन नंबर 35 की यहाँ पे बात करेंगे। 35 जो है वो आपके पास दिया गया है x + y² = 289 एंड x - y² = 225। तो आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू बतानी है, y की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर बतानी है कि y की वैल्यू कितनी आती है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके सामने, साथ साथ में आप सॉल्व करें, फिर आंसर आप यहां पे कमेंट करें कि क्या इसका राइट आंसर यहां पर रहेगा। तो इस क्वेश्चन को यहां पे हम सॉल्व करेंगे। आपके सामने दिया गया है x + y² जो है वो उसकी कुछ वैल्यू दी गई है, तो आप यहां पे इसको ओपन करें, x + y² आपके पास दिया गया है 289, तो इसको आप ब्रेक करके लिखें, 289 होता है 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो आपके पास बचा क्या, x + y 17, ये आपके पास वैल्यू आ गई। उसके बाद दूसरी वैल्यू को भी आप ओपन करें, आपके पास क्या दिया गया है, x - y² = 225, तो सॉरी यहाँ पे 225 जो है ये आपका किसका बनता है, 15 का स्क्वायर बनता है, तो मैंने इसको ओपन करके लिख लिया, स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो x - y कितना आ गया आपके पास, 15 आ गया। अब यहाँ पे दो वैल्यू को जोड़ के 17 आना चाहिए और माइनस करके जो है वो 15 आना चाहिए, तो ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू को सेकंड से आप निकालो, x की वैल्यू क्या आएगी, 15 + y, और इस वैल्यू को आप भर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपने जब वैल्यू भरी तो 15 + y फिर + y और ये आ जाएगा = 17। 15 आपका दूसरी तरफ चला गया, y और y आपने ऐड किए तो बन गए 2y, और 15 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 17 में से 15 चले गए तो y आपके पास बचा 2 से 2 कट गया, तो बाय की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। आई होप आप सभी को ये वैल्यू जो क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस जो है वो कम है इसलिए मैं साथ साथ में क्वेश्चन को जो है वो इरेज कर रहा हूँ, बट मैंने यहाँ पे आंसर जो है वो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है। आप इसको दोबारा से रीप्ले करके जो है वो वीडियो को यहाँ पे आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आप कोई भी कर सकते हैं, आपको सिंपल इनमें ऐड करना है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ए वाली वैल्यू सिर्फ ए के साथ ही प्लस माइनस होती है, बी वाली बी के साथ और सी वाली सी के साथ। तो आपके पास जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है वो है आपके पास 6a
उसके बाद है प्लस के 5b, उसके बाद है माइनस के 3c, आपने इसको जोड़ना है प्लस के 11b माइनस के 5a और प्लस के 4c के साथ। आप इसको जोड़ेंगे तो a की वैल्यू को a के साथ जोड़ना है, तो ये 6a और माइनस के 5a, तो 6 में से 5 गए तो बचा 1a। 5b और 11b दोनों प्लस के हैं, तो 11 और 5 हो गया आपके पास 16b। उसके बाद 3c और 4c, तो प्लस माइनस माइनस और सिंबल लगेगा बड़ी रकम का, तो ये आपके पास बच गया c। तो आपके पास जो वैल्यू है वो आएगी a प्लस 16b प्लस के c। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। आपके पास दिया गया है 1, 3, 1, 6 और अंडर रूट एक्स को आप ले जाएंगे दूसरी तरफ और दूसरी तरफ से 188 आप ले आएंगे इस तरफ। अब आपको इसकी जो है वो कटिंग करनी है। 1, 3, 1, 6 जो है वो आपका 188 से पूरी तरह जो है वो कट जाता है। कितनी बार कटता है? 7 बार कटता है। तो 7 आ गया आपके पास अंडर रूट एक्स के बराबर। रूट हटाना है तो दूसरी तरफ लगता है स्क्वेयर, तो 7 का स्क्वेयर क्या हो रहेगा? 49, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर दिया गया है। तो काफी अच्छे क्वेश्चन जो है वो मैं आज आपके सामने यहां पर लेके आया हूं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली जो आपको मॉक पेपर है वो आपको यहां पे मिले और आप अपनी तैयारी जो है वो और बेहतर जो है वो बना सकें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहां पर। किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% का योग 960 है। मतलब कि कोई एक संख्या है x ले ली, उसका 60% लिख लिया मैंने, 60/100, उसी संख्या के 20% का योग। योग का मतलब है प्लस। अब संख्या है x और इसी संख्या का कितना लेना है? 20%, तो याद आएगा 20/100। दोनों को योग करके कितना आता है? 960 आता है, तो मैंने ये लिख दिया। अब आपको यहाँ पे कटिंग करनी है तो कटिंग आप कर सकते हैं, बट मैं कटिंग नहीं करूँगा। मेरे पास ये बनेगा 60x प्लस के 20x और एलसीएम मैंने पहले ही ले लिया, तो आएगा 100 और याद आएगा 960। 100 को मैं यहाँ से ले जाऊँगा दूसरी तरफ, 60 और 20 कितने हुए? 80x और 960 और गुणा है मेरे पास यहाँ पे 100, मैं ऊपर ले जाऊँगा। 80 ऊपर से कहाँ जाएंगे? इस तरफ जाएंगे, नीचे 0 से 0 कटी, 8 से 96 कटेगा 12 बार, 12 को 100 से गुणा किया तो कितना आंसर रहेगा? 1200। तो आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 जो है ये काफी इजी क्वेश्चन है आपके पास, तो आप इसको खुद से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली। अगर किसी को फिर भी अगर समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये सिंपल एडिशन और डिवीजन का आपका ये क्वेश्चन है, आपके सामने जो दिया गया है मल्टीप्लाई भी इसमें यूज़ किया गया है, बोर्ड मास का आपको यूज़ करना है। इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं? सबसे पहले डिवाइड को ओपन करते हैं। 2/3 है आपके पास, ये क्वेश्चन है आपके पास 2/3। उसके बाद है डिवाइड, तो डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो उससे आगे वाली रकम जो है वो आपकी रिवर्स में चली जाती है। यहाँ पे दिया गया था 3/2, तो इस तरफ जब जाएगी तो ये आ जाएगी 2/3, क्योंकि मैंने सिंबल को चेंज किया और उससे आगे है 9/4। अब 2 से 4 कटेगा 2 बार, 2 से 2 कट गया, 3 से 9 कटा 3 बार और 3 से 3 कट गया, तो बचा कितना? 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, ये आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, तो 0.96, इसको भी आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपका क्वेश्चन डबल डिवीजन का आता है तो दोनों ही सिंबल को साथ में ही ओपन किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मल्टीप्लाई, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो वैल्यू आपकी रिवर्स में चली जाती है, उल्टी हो जाती है। आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास बना 96/100 और इसको भी आपने ओपन किया तो 16 के ऊपर आ जाएगा कितना? 1000 और यहाँ पे है आपके पास 1 और तो ऊपर आ जाएगा 10। अब आप क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है।
कटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, 96 जो है वो आपका 16 से पूरा का पूरा कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 6 बार, 20 से 20 आपकी कटगी, 6 को 100 से गुणा करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 600, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपके सामने दिया गया है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आ रहे हैं। काफ़ी पेपर में आपने देखा होगा रिपीट होते हैं क्वेश्चन आपके, बट इसमें जो है वो मैं कुछ नए लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लेके आया हूँ। सो हर बार की तरह जो है वो क्वेश्चन आपके रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो आपके जो एग्ज़ाम रहते हैं वो एक ही बुक से जो है वो ज़्यादातर डाल दिए जाते हैं। आपने भी देखा होगा यूट्यूब पे कि पुराने पेपर्स को ही ज़्यादातर जो है वो आपसे सॉल्व करवाया जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। नए क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। सो उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 41 आपके पास दिया गया है। ये आपको दिया है कि 625 जो है वो आपका 25 में टूटता है, तो 4 को आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप इस वैल्यू को ब्रेक कर सकते हैं, मैंने लिख दिया 625 और इसको मैंने 00 को अलग करके लिख दिया 100 में। 4 आपका एज इट इज़ है, 625 किस में टूटेगा? 25 में टूटेगा, और 100 किस में टूटेगा? 10 में टूटेगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 10। तो 4 को 25 से गुणा किया ये आ गया 100, और 10 आपके पास हो रहेगी, तो आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन सी 1000। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसको भिन्न में लिखना है 0.6, तो 0.6 को आप लिखेंगे तो आएगा 6/10, 2 से कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा 5 बार, तो 3/5 ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके पास, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? आपको पता होना चाहिए, 4×9 लिख लूंगा, सबसे बड़ी आ गई, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये आ जाएगी आपके पास 1000। इनका अंतर कितना है, मतलब कि माइनस करके कितना आता है, तो आपके पास आएगा 999 और यहाँ पे आएगा 8, 8999, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 की यहाँ पे हम बात करते हैं, ये आपका एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको कराता हूँ। आपको बोला गया है 40 बच्चों की औसत आय कितनी, औसत आयु कितनी है? 15 साल है, तो आपने लिख लिया 40 बच्चों की कितनी है? 15 साल है। उसके बाद एक अध्यापक आता है, मतलब टोटल कितने पर्सन हो गए? 41, तो औसत 16 वर्ष हो जाता है, तो आपने औसत लिख लिया यहाँ पे 16 वर्ष हो जाता है। अब आपको बस क्या करना है, इस मेथड में इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, और इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो 15 को जब आपने 40 से गुणा किया तो आपके पास कितना आ जाएगा? 15 को 4 से करेंगे 60 और 10 600 आ गया, और 16 को 41 से करेंगे तो 600 और 4 और 5 6, तो ये आ जाएगा 656 आ गया। और अब इन दोनों को आपको माइनस करना है, इसमें माइनस में आंसर नहीं आता, बस बड़ी में से छोटी रकम को माइनस करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 56 साल। इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन जो है वो सिंपली मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप कर सकते हैं। एक अनदर मेथड रेशियो का भी रहता है, या फिर आप इसमें एक प्रॉफिट और लॉस की तरह भी इसमें एक मेथड है, उसका भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, बट वो काफ़ी लेंथी यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 आपके पास दिया गया है, 45 आपका सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका वो, और क्वेश्चन वहाँ से पूछा ही जाता है, चाहे सिंपल सा है या फिर थोड़ा सा अप लेवल का है, पूछे जाने की ज़्यादा वहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहती है। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज में 56 रुपये का अंतर है। मेरे को ये पता चला कि जो SI है 2 सालों के लिए और जो SI है 3 सालों के लिए, उन दोनों का अंतर कितना है यहाँ पर? 56 साल। तो मैंने SI का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया PRT/100, तो मैंने लिखा प्रिंसिपल, रेट कितना है मेरे पास, रेट है 8%, और टाइम पहले कितना दिया 3 साल, और अपॉन में आएगा 100,
दूसरी बार प्रिंसिपल मेरे को पता नहीं, रेट आपका सेम चला है 8 और अब टाइम हो गया 2 साल और नीचे आ जाएगा 100, और इन दोनों का अंतर दिया गया है 56। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 8 को 3 से करेंगे आपके पास आएगा 24p, 8 को 2 से करेंगे आपके पास आएगा 16p, और यहाँ पे है नीचे आपके पास 100 और यहाँ पे है 56। ये 100 आपका यहाँ से हटेगा और इस तरफ चला जाएगा तो 5600 आ जाएगा। 24 और 16 में आपके पास कितने बचेंगे, 8p बराबर है 56 00, 8 से 56 आपका कट जाएगा, कितनी बार कटता है, 8 × 7 और 00, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 700। तो इसका मतलब आपके पास अपने पैसे कितने थे, प्रिंसिपल कितना था, मूलधन कितना था, तो वो था 700 रुपये। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, जो कि आपका रीजनिंग से यहाँ पे रहेगा, तो इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं साथ साथ में। रीजनिंग आपकी जो है वो इजी लेवल की रहती है, ज़्यादा टफ आपकी नहीं आएगी, लेकिन ये आपके फ्री के नंबर हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का यहाँ पर रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 नंबर जो हैं वो आपके यहाँ पर फ्री के नंबर हैं, जिनको आप पूरे के पूरे जो हैं वो ले सकते हैं। तो स्टे का कुछ आपके पास कोड दिया गया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ STAY, इसका कोड है WWC और Z। एस से W में जब आप जाएंगे तो S, फिर TUVW कितना आगे गए, 4 आगे गए, T से W आगे जाएंगे तो 3 आगे गए, A, B और C 2 आगे गए, Y और Z 1 आगे गए, एक आगे गए। तो पैटर्न क्या मिला, पहले 4 आगे जाना है, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो वैसे ही आप कोड इसमें लगाएंगे NRKS, तो आपने क्या करना है, N के 4 आगे जाना है। तो जब आप N के 4 आगे जाएंगे तो OPQR आपके पास आएगा, R ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, या तो ऑप्शन C आएगा या तो A आएगा, क्योंकि R यहीं पे है। R से आपको 3 आगे जाना है, R से आपको 3 आगे जाना है, STU तो RU आ गया, K से आपको 2 आगे जाना है तो LM आ गया, और S से आपको 1 आगे जाना है तो T RUMT, तो RUMT आपका रहेगा ऑप्शन नंबर A में। तो 46 का ऑप्शन A आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद 47 है, इसमें से आपको ओड वन आउट यहाँ पे ढूंढना है, तोता, चमगादड़, कौआ, गुरैया, तो इसका ऑप्शन आपका रहेगा चमगादड़, क्योंकि ये रात में उड़ने वाला पक्षी है और बाकी दिन में उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, 1 मार्च 2016 को बुधवार था, तो 26 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। तो सेम ईयर की यहाँ पे बात की गई है, तो आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। सेम ईयर के केस में आपके पास क्या रहता है, यहाँ पर आपके पास 1 मार्च दिया गया है और आपको कहाँ तक जाना है, 26 मार्च तक जाना है। मतलब आप कितने दिन आगे गए, 25 दिन आगे गए, तो 25 दिनों को आप हफ्तों में ब्रेक कर लीजिए, 7 × 21 मतलब कि 3 हफ्ते, मतलब 21 दिन तो हो गए, और कितने दिन बचे आपके पास एक्स्ट्रा, 4 दिन। तो हफ्तों में कभी भी दिन हमारा चेंज नहीं होता है, तो हम सिर्फ कितने दिन आगे जाएंगे, 4 दिन आगे जाएंगे। तो आप बुधवार से 4 दिन आगे जाएं, वीर, शुक्र, शनि और रवि, तो ऑप्शन ए जो है इसका संडे, रविवार बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो आपका काफी इजी क्वेश्चन है। 49th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको क्या दिया गया है, AA, फिर आपके पास दिया गया है BA, उसके बाद है CA, उसके बाद है गैप, और लास्ट में है EA। तो पैटर्न क्या चला है, ABC तो यहाँ पे आएगा D, और फिर AAA तो यहाँ पे भी ये कॉमन चीज चली है तो A, तो इसका आंसर आएगा DA, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपके इस मॉक का, तो एप्पल में आपको कुछ कोड दिया गया है ELPPA, तो यहाँ पे इसको रिवर्स लिखा है, A लास्ट में लिख दिया है इन्होंने यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिखा है P, फिर L और फिर E, तो ये कुछ इस पे में लिखा है। वैसे ड्रिंक को भी आपने लिखना है, पहले आएगा K, फिर N, I, R और D, तो कौन सा ऑप्शन आपका बनता है, KNIRD, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहता है। तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आए हैं,
जो भी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, आपके 35 क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल आपके सही हैं, तो आप ज़रूर जो है वो अग्निवीर में आप ज्वाइन करेंगे। 30 नवंबर को जो आपका होने वाला एग्ज़ाम है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो आप पुराने पेपर के अकॉर्डिंग जो है वो आप चेक कर सकते हैं। जिस टाइप में आपका हिसार, हमीरपुर या अदर सेंटर या एआरओ का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसी टाइप में आपका वो पूछा जाएगा और आपकी सिलेक्शन यहाँ पे हो। साथ में आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी नया मॉक पेपर हम यहाँ पे डालें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिले, ताकि आपकी तैयारी में जो कमी है वो पूरी की पूरी तरह से जो है वो 101% आपकी जो है वो कवर अप हो जाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।